नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, वो एयर कूलर एंड एयर फिल्टर के लिए है। रिसेंटली इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, BIS के बारे में बात करेंगे, जो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा, BIS की प्रोसेस, ISI लाइसेंस का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, फीस, आपका टाइम ड्यूरेशन, लाइसेंस की वैलिडिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो लास्ट तक बने रहें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जसवाल है। मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर वर्किंग हूँ। मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है टेक्निकल कंप्लायंसेस में। मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। अभी ये रिसेंटली जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है, ये 5 मार्च को आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू आया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है? एक्चुअली जब भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर की हेल्थ से रिलेटेड या उसकी क्वालिटी क्रिटिकल होती है, तो गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डालती है, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जनरेट करती है। तो रिसेंटली ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कब इम्प्लीमेंट होगा? लार्ज स्केल या फॉरन मैन्युफैक्चरर के लिए 5 सितंबर 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल के लिए अभी टाइम है 3 मंथ 6 मंथ के, मतलब स्मॉल स्केल के लिए 9 मंथ का टाइम है, 5 दिसंबर 2024 में इम्प्लीमेंट होगा, और माइक्रो कंपनीज के लिए 5 मार्च 2025 में इम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें बात करते हैं प्रोडक्ट क्या क्या कवर है। तो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में बेसिकली दो प्रोडक्ट कवर है। सबसे पहले तो IS 3315 इवोपरेटिव एयर कूलर, जिसको डेजर्ट कूलर भी कहते हैं, उसके लिए है। सेकेंड स्टैंडर्ड है IS 17570 Part 1 एयर फिल्टर फॉर जनरल वेंटिलेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर मैटर इफिशियंसी। तो ये एयर फिल्टर फॉर जनरल वेंटिलेशन के लिए बेसिकली ये सेकेंड स्टैंडर्ड है। हमने आपको बताया कि ये मैंडेटरी हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। इट मीन्स कि आपको BIS लाइसेंस लेना पड़ेगा। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है और आपको ISI मार्क का लाइसेंस देती है। BIS का बेसिक एक्टिविटीज़ हैं स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये मेजर एक्टिविटीज़ हैं। क्वालिटी अश्योरेंस में ये कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में थर्ड पार्टी अश्योरेंस का, थर्ड पार्टी ब्रिज का वर्क करती है। तो आप यदि मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे लाइसेंस मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए कंप्लीट। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी होगी क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। यदि आप स्मॉल या माइक्रो कंपनीज हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी रिलैक्सेशन दिया है कि आपको टेस्टिंग फैसिलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से भी इसको टेस्ट करा सकते हैं, BIS लैब से या NABL लैब से। तो अब हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन क्या करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ग्रेड वैरायटी आइडेंटिफाई करना है कि आप किस किस ग्रेड वैरायटी में आप लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, MSME, GST, आपका रेंट एग्रीमेंट, और आपके ऑनर्स जो हैं उनका, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। और टेक्निकल डॉक्यूमेंट में रॉ मटेरियल से लेके मशीनरी, टेस्टिंग फैसिलिटी, सभी की टेक्निकल डिटेल्स, और आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से कौन सा रॉ मटेरियल आपका यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें टेक्निकल डिटेल में आएंगी, जिसमें लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट प्लान अभी है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, उनका अपॉइंटमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट होंगे। स्टेप्स की बात करें प्रोसेस की, BIS 8 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट लाइसेंस, एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग बेसिकली सेकेंड स्टेप में सिर्फ उनको है जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। नॉर्मल प्रोसीजर या फॉरन मैन्युफैक्चरर के लिए ये स्टेप अप्लीकेबल नहीं है। थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होगी। फोर्थ स्टेप में आपके लिए BIS ऑफिसर नॉमिनेट होंगे। फिफ्थ स्टेप में BIS ऑफिसर आपकी फैक्ट्री ऑडिट करेंगे, फैक्ट्री लोकेशन, टेस्टिंग फैसिलिटी, रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एवरीथिंग दे विल वेरीफाई, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज और प्रोडक्ट की टेस्टिंग। ये सारा कुछ करने के बाद ये सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है, देन सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के केस में आपको लाइसेंस मिल जाएगा 5 से 6 दिन के बाद आफ्टर ऑडिट। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर या नॉर्मल प्रोसीजर में हैं, तो आपका सैंपल BIS ऑफिसर सील करेंगे टेस्टिंग के लिए, और रिपोर्ट आने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। बात करते हैं फीस की। तो आपकी एप्लीकेशन फी 1000 है, इंस्पेक्शन फी 7000 है,
आपका लाइसेंस फी 1000 है और एनुअल फी आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग फी होगी। आपको हम हेल्प कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट करें हमें। ठीक है, सैम्पल टेस्टिंग चार्ज भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। वैलिडिटी की बात करें तो इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं इसको। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 35 से 40 दिन में आपका ये लाइसेंस हो जाता है नॉर्मली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए आपका 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी टेस्टिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन का टेस्टिंग है, देन आपको टेस्टिंग की रिपोर्ट आने के बाद एप्लीकेशन लगती है, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, और कहीं भी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।